हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद अ सेशन जिसमें आज के बिग न्यूज में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज विंडसर अरेंजमेंट। अब विंडसर अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो ये बहुत कंटेम्प्रेरी इशू है एंड ये कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम एंड आयरलैंड की कहीं ना कहीं बात उठ रही है। अब उसको अपन पहले समझेंगे। आज इस पूरे वीडियो में पहले तो हम करंट कॉन्टेक्स्ट समझने वाले हैं कि है क्या करंट कॉन्टेक्स्ट। और करंट कॉन्टेक्स्ट है कुछ नहीं, सिंपल सा ही है कि अभी यूनाइटेड किंगडम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक, उन्होंने ईयू के साथ अरेंजमेंट किया, एक एग्रीमेंट किया जिसका नाम है विंडसर अरेंजमेंट, विंडसर एग्रीमेंट, जो कहीं ना कहीं ट्रेड से रिलेटेड है। तो वो हम समझेंगे। उसके बाद विंडसर अरेंजमेंट समझने से पहले हम थोड़ा हिस्ट्री समझेंगे यूनाइटेड किंगडम की, ब्रिटेन की, आयरलैंड, आयरलैंड की हम जो है हिस्ट्री उसको समझने वाले हैं। उसके बाद फिर अपन मूव ऑन करेंगे विंडसर पर कि विंडसर आया क्यों, और इसी बीच में ब्रेक्जिट को भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें से अपने दो तीन पॉइंट जो है बहुत हद तक क्लियर होंगे हमारे इंटरनेशनल न्यूज के पर्सपेक्टिव से, समझते हैं। तो पहला जो प्रेजेंटेशन है दैट इज अबाउट वाईएन न्यूज, सिंपल वन। सो वाईएन न्यूज की अगर हम बात करते हैं इसीलिए कि यूके गवर्नमेंट ने फाइनली एक लैंडमार्क डील कर ली है विद द यूरोपियन यूनियन आफ्टर पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रेड रूल्स रिलेटेड टू द गवर्निंग नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। सो अब अगर हम थोड़ा सा ना इस पे मूव ऑन करते हैं, सबसे पहले तो मैप देखो। जब मैप देखोगे तब थोड़ी चीज क्लियर होगी। सो अगर हम इस पूरे आइलैंड की बात करें, ये पूरा आइलैंड, दिस वन, ये पूरा आइलैंड, सो दिस आइलैंड इज नोन एज वॉट, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ओके। एंड ये जो है नॉर्दर्न आयरलैंड, अगर ये भी एड ऑन हो जाता है, ये भी प्लस हो जाता है, तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं, यूनाइटेड किंगडम। ओके, एंड दिस वन, दिस डार्क ग्रीन टेरिटरी, यहां पर आयरलैंड लिखा हुआ है, दैट इज व्हाट, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, दिस इज व्हाट, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। एंड दिस इज अ सॉवरेन नेशन, अलग नेशन है। अब थोड़ा सा ना इसकी पहले कहानी समझ लेते हैं। तो पहले तो थोड़ा सा यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड चीजें समझते हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें जो टोटल नेशन है एट प्रेजेंट दैट इज अराउंड 27 कंट्रीज। 2019 में एक वेव उठी ब्रिटेन के अंदर कि यूनाइटेड किंगडम को यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं होना चाहिए। सो बिफोर ब्रेक्जिट 28 नेशन थे, लेकिन ब्रिटेन जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है, अब एग्जिट कर गया है फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। सो इट करेंटली देयर आर 27 कंट्रीज। अब यूरोपियन यूनियन में जो 27 कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं लैंड से कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं हर लैंड से कनेक्टेड है ना। लेकिन अब आयरलैंड एक ऐसी नेशन बन गई है जो कि यूरोपियन यूनियन के किसी भी नेशन से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि अब तो ये जो है टेरिटरीज, यूनाइटेड किंगडम, ब्रेक्जिट का पार्ट तो नहीं रहा। तो नॉर्दर्न आयरलैंड अगर हम बात करें तो इकलौता ऐसा नेशन बचा है यूरोपियन यूनियन में जो किसी ना किसी अदर यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज से कनेक्टेड ना हो, एक इकलौता ऐसा नेशन बचा है। एंड यूरोपियन यूनियन में अगर हम बात करते हैं सो ट्रेड जो है इजीली हो जाता है, यूरोपियन उनके बेनिफिट्स भी है। बेनिफिट ये है कि अगर मैं कोई यहां पर मान के चलते हैं फ्रांस है एंड ये जर्मनी है, मुझे यहां से कोई गुड्स भेजना है तो मैं इजीली गुड्स भेज दूंगा। मुझे यहां पर ट्रेवल करना है, मान के चलते मैं फ्रेंच सिटीजन हूं एंड आई वॉन्ट टू ट्रेवल टू जर्मनी, सो विदाउट अ पासपोर्ट आप ट्रेवल कर सकते हो जर्मनी के अंदर, विदाउट अ वीजा आप ट्रेवल कर सकते हो यूरोपियन यूनियन के एक दूसरे कंट्रीज में। आप जॉब इजिली सिक्योर कर सकते हो, आप इजिली वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज जो है इजिली मूव कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इजी हो जाते हैं। अब ये कहानी समझने के लिए करंट कॉन्टेक्स्ट में कि हम इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये मैप जो है वो क्या है, हमें पहले आयरलैंड की जो आइलैंड हिस्ट्री है हमें इसकी हिस्ट्री को समझना होगा। हुआ क्या, पहले अगर हम बात करें यूनाइटेड किंगडम तो एक पूरा एम्पायर है ना, जो किंग और क्वीन होते हैं यूनाइटेड किंगडम के, पूरा रूल करते हैं। कभी इंडिया भी इंडियन टेरिटरी, ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरी जो थी वो भी यूनाइटेड किंगडम की कोई पार्ट हुआ करती थी। तो वैसे ही ये प्रॉपर जो पूरा आयरलैंड है ये पूरा पार्ट हुआ करता था किसका, यूनाइटेड किंगडम का। लेकिन जो आयरिश लोग थे यहां पर उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो गया। अब जो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ वो कॉन्फ्लिक्ट क्या था, वो यही था कि आयरलैंड ना एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए, एक प्रॉपर सेपरेट नेशन बनना चाहिए।
लेकिन कुछ लोग आयरलैंड में जो रह रहे थे उन्होंने डिमांड करी कि नहीं, हमें यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट बनना है। जैसे कि इंडिया में था कि इंडिया, बहुत सारे इंडियंस, सारे इंडियंस बोले थे कि हमें ब्रिटिशर्स से हमें आजादी चाहिए, लेकिन कुछ इंडियंस होंगे जो बोले कि नहीं, ब्रिटिश को ही रूल करना चाहिए। सो वैसे ही आयरलैंड में भी था कि कुछ लोग बोल रहे थे कि हमें यूके से बाहर निकलना है, सेपरेट नेशन, सॉवरेन नेशन बनना है, लेकिन कुछ आयरलैंड में कुछ लोग रह रहे थे, उनका कहना था कि नहीं, और उनकी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक थी, कि हमें यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट बने रहना है। तो जो सपोर्ट कर रहे थे कि आयरलैंड जो है वो एक सेपरेट नेशन बनना चाहिए, वो थे रिपब्लिकन्स। और जो लोग डिमांड कर रहे थे कि नहीं, आयरलैंड जो है वो पार्ट होना चाहिए किसका, आपके यूनाइटेड किंगडम का ही, उनको हम बोलते थे यूनियनिस्ट। अब ये दो ग्रुप बन गए आयरलैंड के बीच में। अब ये दो ग्रुप जब बने तो प्रॉपर फाइट होने लगी, वॉयलेंट क्लैशेस होने लगे, बहुत ज्यादा वॉयलेंट क्लैश हुआ। तो फाइनली यूनाइटेड किंगडम ने डिसाइड किया कि हम लोग एक ट्रीटी करेंगे, उस ट्रीटी का नाम होगा एंग्लो आयरिश ट्रीटी इन द ईयर 1921। और इस ट्रीटी में आयरलैंड के दो डिविजन हो गए, एक बना रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि सॉवरेन नेशन रहा एंड यहां पर रिपब्लिकन्स रहते हैं, एंड एक बना नॉर्दर्न आयरलैंड जो क्या है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट है, और इसमें ज्यादा डोमिनेंस जो है वो किसका है, यूनियनिस्ट का है। ओके अब ऐसा नहीं है कि यूनियनिस्ट और जो रिपब्लिकन्स हैं वो अभी भी फाइट नहीं कर रहे, अभी भी फाइट हो रही है। इवन आफ्टर दिस एग्रीमेंट हुआ क्या, 1960 आया, और 1960 में एक और वेव चली कहां पर, इधर नॉर्दर्न आयरलैंड में। और नॉर्दर्न आयरलैंड में जो रिपब्लिकन्स थे उनका ये कहना था कि नाउ इट्स टाइम कि नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो अब अलग हो जाए किससे, यूनाइटेड किंगडम से, और एक प्रॉपर आयरलैंड जो है एक प्रॉपर एक सेपरेट कंट्री बने, नॉर्दर्न आयरलैंड भी आयरलैंड में इंक्लूड हो जाए। बहुत वायलेंट क्लैशेस हुए, 3500 से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई। फाइनली गवर्नमेंट प्रेशर में आई और एक अरेंजमेंट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ, दैट इज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट इन द ईयर 1998। और वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इस एग्रीमेंट का था वो ये था कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड के जो लोग हैं, जो सिटीजन हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड के रेसिडेंट्स हैं, वही डिसाइड करेंगे कि उनको यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बनना है कि नहीं बनना। एंड जब वोटिंग हुई, आपकी जब रेफरेंडम हुआ, उस रेफरेंडम में ये पता लगा कि नॉर्दर्न आयरलैंड की मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दे वॉन्ट टू स्टे विद द यूनाइटेड किंगडम, एंड फाइनली यूनाइटेड किंगडम का अभी भी पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो 1998 तक तो ये कहानी थी, उसके बाद सब कुछ स्मूथ चल रहा था, प्रॉपर सीट, प्रॉपर प्रॉपर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, नॉर्दर्न आयरलैंड यूके का पार्ट रहा बिकॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट। आयरलैंड जो था वो डिवाइड भी हो गया दो सॉवरेन अलग टेरिटरीज में, एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड 1921 में जो एग्रीमेंट हुआ, यूनियनिस्ट और रिपब्लिकन की अभी फाइट हो रही है, लेकिन इतना वॉयलेंट क्लैश नहीं देखने को मिला। लेकिन इशू क्या है, ऐसा इशू क्या देखने को मिल रहा है कि अभी विंडसर फ्रेमवर्क जो है वो करंट न्यूज में आ रहा है, विंडसर फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ी, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा, एंड दैट इज अबाउट कि ट्रेड टेंशन क्या थे। अब अगर हम बात करें तो एक रीजन है ब्रेक्जिट, एंड एक और अनदर रीजन है दैट इज नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल जो कि 2019 में साइन हुआ था। इसकी कहानी समझने के लिए वी नीड अ मैप। ओके सो वी नीड अ मैप, तो मैप थोड़ा समझना पड़ेगा। अब अपन समझते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके So, हुआ क्या, अभी एक कहानी जो स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है ब्रेक्सिट के बाद। तो ब्रेक्सिट क्या है, इट्स ब्रिटेन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, क्लियर। तो ब्रिटेन जो है एग्जिट कर गया यूरोपियन यूनियन से, ये चीज क्लियर है। अब हुआ क्या कि आयरलैंड जो है ये एक नेशन है, ये तो अभी भी पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, ये तो पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, लेकिन ये वाली टेरिटरी तो पार्ट नहीं है, ना ही ये टेरिटरी पार्ट है। तो अगर हम जब लैंड रूट की बात करते हैं तो लैंड रूट तो यही है इधर, एंड दिस इज व्हाट, आयरिश सी, ये आयरिश सी है। ओके अब हुआ क्या, जब ब्रिटेन एग्जिट कर गया यूरोपियन यूनियन से, तो यूरोपियन यूनियन के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जो यूरोपियन यूनियन के ट्रेड से रिलेटेड, ट्रेड एंड कस्टम से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, वो इंप्लीमेंट नहीं होंगे इधर, नहीं इंप्लीमेंट होंगे।
क्योंकि अब ब्रिटेन नहीं रहा, इसके अपने अलग, यूनाइटेड किंगडम के अलग अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, अपने अलग उनके कस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कस्टम लॉज हैं, और यूरोपियन उनके अलग हैं। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि नॉर्दर्न, अगर हम इस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करते हैं, तो अगर यहां से कोई ट्रेड करना है तो ऑब्वियसली बात है, जब यहां से ट्रेड होगा तो यहां से नॉर्दर्न आयरलैंड से पास तो होगा ही होगा। नॉर्दर्न आयरलैंड अगर लैंड रूट से आ रहा है तो नॉर्दर्न आयरलैंड में तो आएगा ही आएगा, ये तो कंफर्म है। तो ये क्लैश देखने को मिल रहा था कि रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो है वो बेसिकली है क्या, वो एक एक अलग अलग थलग नेशन बन गया। तो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में जो लोग थे उनका यही मानना था कि नॉर्दर्न आयरलैंड को भी क्या बना देना चाहिए, नॉर्दर्न आयरलैंड को भी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बना देना चाहिए, यूके से छीन लो। तो एक यही दिक्कत अराइज होगी कि अब यूरोपियन यूनियन ट्रेड कैसे करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे भेजेगा या लेगा फ्रॉम द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड से। तो इसीलिए फाइनली एक प्रोटोकॉल साइन हुआ, और उस प्रोटोकॉल का क्या नाम रखा, नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब ये नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल क्या था, देखो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल बहुत सिंपल सी बात बोलता था। उसने ये बोला कि प्रॉब्लम कहां अराइज हो रही है, प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है ना कि ईयू के रूल्स जो है, यूरोपियन यूनियन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, कस्टम रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरे इस टेरिटरी पे अप्लाई नहीं होंगे, और उसके चलते रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इस टेरिटरी पे वो यूके के होंगे, और यूरोपियन यूनियन के साथ क्लैश हो रहे हैं, और यूके के यहां पर एप्लीकेबल होने चाहिए क्योंकि अब तो एग्जिट हो गए हम यूरोपियन यूनियन से, तो यहां पर कैसे ट्रेड होगा। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, ब्रिटेन ने बोला, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि नॉर्दर्न आयरलैंड में अकेले, सिर्फ नॉर्दर्न आयरलैंड में ईयू के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ईयू के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ईयू के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ट्रेड एंड कस्टम को लेकर, ट्रेड एंड कस्टम को लेकर एप्लीकेबल होंगे किधर, नॉर्दर्न आयरलैंड पे, इवन दो नॉर्दर्न आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ये यूरोपियन यूनियन के सिंगल मार्केट का पार्ट नहीं है, लेकिन इवन दो उसके बावजूद भी फॉर द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए नॉर्दर्न आयरलैंड में ईयू के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि ट्रेड एंड कस्टम से रिलेटेड थे वो अप्लाई हो गए, एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नथिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज कर रही होंगी, जिसके चलते विंडसर अरेंजमेंट हुआ है। अब प्रॉब्लम्स आई, प्रॉब्लम्स ही आई क्योंकि नॉर्दर्न आयरलैंड में किसका रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहा था, यूरोपियन यूनियन का, इवन दो नॉर्दर्न आयरलैंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, उसके बावजूद भी लग रहे थे रूल्स एंड रेगुलेशन ईयू के। अब अगर ब्रिटेन, यूनाइटेड जो ये जो है ब्रिटेन, ब्रिटेन यहां से स्कॉटलैंड से यूनाइटेड किंगडम से वेल्स से अगर कोई आइटम आता इधर, अगर मान के चलो इस ब्रिटेन से, इस ब्रिटेन टेरिटरी से अगर कोई आइटम आ रहा है नॉर्दर्न आइलैंड पर, तो किसके रूल्स एंड रेगुलेशन लगनी चाहिए, सॉवरेन नेशन है यूनाइटेड किंगडम, तो किसके रूल्स एंड रेगुलेशन लगनी चाहिए, यूनाइटेड किंगडम के, लेकिन लग किसके रहे, यूरोपियन यूनियन के। जिसके चलते हुआ क्या, क्योंकि यू के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, ब्रिटेन के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, जहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन इन तीन टेरिटरी में सेम है, यहां पर डिफरेंट होता जा रहा था, और इसके चलते बहुत सारे ट्रेड जो थे वो उन पे हार्म पहुंच रहा था। कौन कौन से ट्रेड पे हार्म पहुंच रहा था, पहला पहुंच रहा था जो आपके गुड्स थे, ऐसे गुड्स जिनकी जो सेल्फ लाइफ होती है बहुत कम होती है, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के जो वो थे ट्रेड था ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में, वो इतना इतना ज्यादा कंजस्टेड हो गया, उसके चलते प्रॉब्लम्स क्या अराइज हुई कि ये ट्रेड प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पा रहा, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का ट्रेड जो है हो ही नहीं पा रहा। दूसरा, मेडिसिन को लेकर भी जो चीजें थी, मेडिसिन को लेकर भी जो चीजें थी वो गलत थलत हो रही थी, क्योंकि मेडिसिन को लेकर, ड्रग्स को लेकर ईयू के अलग रूल्स हैं, ब्रिटेन के अलग रूल्स हैं। एंड लास्ट जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि अगर मान के चलो नॉर्दर्न आयरलैंड में ईयू के रूल्स रेगुलेशन लग रहे हैं, तो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे आइटम्स जो हैं वो फ्रीली घूमेंगे ब्रिटेन के अंदर, फ्रीली घूमेंगे, एंड इसीलिए जरूरत पड़ी किसकी, विंडसर अरेंजमेंट की, इसीलिए जरूरत पड़ी हमारी किसकी, विंडसर अरेंजमेंट की। अब विंडसर अरेंजमेंट क्या बताता है, ठीक है, तो देखो यहां पर सबसे पहले तो ये बता दिया कि भाई करंट प्रोसेस क्या था,
तो यही खुद बोला कि द गुड्स आर चेक एट द पोर्ट ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड एट अराइवल, यहां पर गुड्स चेक होंगे, दे कैन मूव इन टू द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड वन चेक, उसके बाद ये मूव किया जाएगा। तो यही था ना, अंडर द ब्रेक्जिट डील सर्टेन गुड्स हैव टू बी चेक्ड व्हेन दे एंटर नॉर्दर्न आयरलैंड फ्रॉम ग्रेट ब्रिटेन, गॉट इट। अब विंडसर एग्रीमेंट में ना दो मेजर पॉइंट्स डिस्क्राइब हुए, पहला हुआ टू लेन सिस्टम एंड एक था स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉमोंट ब्रेक। अब समझते हैं, सबसे पहले टू लेन सिस्टम समझो। तो टू लेन सिस्टम में क्या किया, दो लेन बना दी, एक बनाई ग्रीन लेन एक बनाई रेड लेन, ठीक है। अब ये जो ग्रीन लेन है, ये जो ग्रीन लेन है, ये जो ग्रीन लेन है, ये इस जो ग्रीन लेन रूट है, इस रूट में सिर्फ ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में ट्रेड होगा। ये जो रूट बना ग्रीन लेन वाला रूट, इसमें सिर्फ किसका ट्रेड होगा, ब्रिटेन के गुड्स नॉर्दर्न आयरलैंड में आएंगे, नॉर्दर्न आयरलैंड के गुड्स ग्रेट ब्रिटेन में जाएंगे। और जो रेड लेन है, ये रेड लेन जो है ये बेसिकली सिर्फ इसीलिए बनाया गया कि यूरोपियन यूनियन के गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो इस लेन से निकले। तो अब दो रास्ते दे दिए, पहले क्या था, एक रास्ता था, और अप्लाई किसका हो रहा था, रूल ईयू का। उस वक्त ब्रिटेन के गुड्स एंड सर्विसेज को, ब्रिटेन के फार्मर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, और गुड्स एंड सर्विसेज, ईयू के गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिटेन में फ्रीली मिल रहे थे। एक ही रास्ता था, लेकिन लॉ किसी और कंट्री का था। अब क्या कर दिया, अब ऐसा किया कि दो रास्ते बना दिए, एक कंट्री का लॉ अप्लाई होगा, एक ईयू का लॉ अप्लाई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला काम तो ये किया कि एक बनाई ग्रीन लेन एक बनाई रेड लेन। तो ये लिखा हुआ है, द गुड्स आर स्प्लिट इन टू दी टू डिफरेंट लेन्स, गुड्स डिजाइंड गुड्स डेस्टिंड फॉर दी नॉर्दर्न आयरलैंड गो इन टू दी ग्रीन लेन, मीनिंग दे वुडंट हैव टू बी चेक्ड एंड वुड रिक्वायर मिनिमल पेपर वर्क। वहीं गुड्स डेस्टिंड फॉर दी आयरलैंड, मतलब यहां पर, एंड यू गो इन टू दी रेड लेन एंड चेक चेक आर कैरीड चेक्स आर कैरीड आउट, ठीक है। तो इस पर प्रॉपर चेक किया जाएगा, इस पर कम चेक होगा, क्योंकि वही बात, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश भेज रहे हो मटेरियल, या उत्तर प्रदेश से गुजरात भेज रहे हो, ज्यादा चेक नहीं होती। लेकिन अगर आप इंडिया से यूएस भेज रहे हो, ज्यादा चेकिंग होगी, ठीक है। तो ये चीज बताएगी, तो एक ये है, और दूसरा ये है स्टॉर्म मोंट ब्रेक। इसका मतलब क्या है कि अब ये चीज डिसाइड हो गई है कि अब नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता है कि यूरोपियन यूनियन की कौन सी चीज जो है वो यूरोपियन यूनियन की कौन सी चीज जो है वो नॉर्दर्न आयरलैंड में आ सकती है कि नहीं आ सकती। सो नॉर्दर्न आयरलैंड का जो असेंबली है, उस असेंबली में सिर्फ 30 वोट्स की जरूरत है। तो स्टॉर्मोंट ब्रेक का मतलब क्या है, स्टॉर्मोंट ब्रेक सिंपल सी बात बोलता है कि अगर नॉर्दर्न आयरलैंड को लगता है कि ईयू का ये गुड और सर्विस नहीं एंटर होना चाहिए, तो वो रुक जाएगा। लेकिन उसका कैसे रोकने का तरीका है, तभी बोला ना ब्रेक, कि अगर कोई ईयू का गुड आ रहा है और नॉर्दर्न आयरलैंड को पता है कि भाई हमें गुड नहीं करना है, तो रोक लग सकती है। कैसे, कुछ नहीं करना है, जो नॉर्दर्न आयरलैंड की असेंबली है, उस असेंबली में दो चीजें चाहिए। पहली चीज क्या चाहिए, हमें चाहिए 30 वोट्स का सपोर्ट, 30 वोट्स चाहिए हमें। लेकिन ये 30 वोट जो आ रहे हैं, दे आर फ्रॉम दी मिनिमम मिनिमम टू डिफरेंट पार्टीज, ठीक है। टू डिफरेंट पार्टीज जो हैं, उनसे हमें वोट लाने की जरूरत है। अगर आप 30 वोट्स लेके आते हो फ्रॉम दी टू डिफरेंट पार्टीज, तो फिर जो गुड आया है यू से, वो नॉर्दर्न आइलैंड पे नहीं आएगा। सो दिस इज व्हाट विंडसर अरेंजमेंट इज ऑल अबाउट, ठीक है। बाकी सो लीगलिज हैज स्टार्टेड विद अ न्यू वाईटी चैनल, न्यू प्रोडक्ट आल्सो नोन एज LELS, लीगलिज लॉ स्कूल। एंड इट्स बेसिकली अबाउट कि यार, हम लोग ना हम लोग फोकस करते हैं क्लैट की प्रिपरेशन पर, ऑब्वियसली बात है, जुडिशरी गोल्ड भी है जो कि जुडिशरी प्रिपरेशन कराता है। बट जब हम बात करते हैं कॉलेज में, उस 5 सालों में हमें जो प्रॉब्लम फेस होती है, बहुत सारी चीजें हैं, मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होता है, रिसर्च पेपर होती है, इंटर्नशिप होती है, उसमें बच्चों को ना कुछ आइडिया नहीं होता। सो इसीलिए वी हैव कम विद द लीगलिस्ट लॉ स्कूल, जिसमें जो भी प्रॉब्लम फेस होती है लॉ स्कूल्स में, ये आपको एड्रेस करते हैं, प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं, आपको एक प्रॉपर रोड मैप बताते हैं, आपको एक प्रॉपर तरीका बताते हैं कि जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम का क्या सलूशन हो सकता है। ओके, सो ऑन दैट नोट वी एंड दिस वीडियो हियर। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग टॉपिक, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।